लॉट्स लेकिन किसी के बारे में बात नहीं कर सकता हूँ. बट बाई द एंड ऑफ दिस ईयर देर विल बी लॉट ऑफ डिफरेंट वर्क एंड द काइंड ऑफ वर्क जिसमें लोगों ने मुझे पहले कभी नहीं देखा, ये मैं गारंटी दे सकता हूँ. थैंक यू सो मच. थैंक यू. थैंक यू. Yesterday मेरे exams खत्म हुए, so my mom gave me a good news that आज मैं Angry Birds 2 देखने जा रही हूँ. सो अभी तक trailer तो देखा नहीं है, लेकिन इसके poster से और ये सब देख के पता लग रहा है कि कितनी exciting और कितनी thrilling और मज़ेदार movie होने वाली है. मुझे सबसे ज़्यादा लाइक बचपन में सबने कपिल शर्मा शो ये सब बहुत देखा होगा विद फैमिलीज एंड ऑल, तो मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और मुझे लगता है आप लोग भी एक्साइटेड होंगे फॉर दिस मूवी. इट्स रियली ऐसा है क्या? नहीं नहीं, इनफैक्ट हम दोनों को एक साथ बहुत स्पॉट किया जाता है. हाँ. यार मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ एक्चुअली. अभी आपने सुना नहीं शायद विनी ने क्या बोला वहाँ पर खड़े होके, शी सेड कि मुझे भी रेड पहन के आना चाहिए था बिकॉज आई एम लाइक दिस मोस्टली यार, बिकॉज यू नो व्हेनेवर आई एम हंग्री स्पेशली तो मैं ऐसा हो जाता हूँ वो गुस्से वाला. और व्हेन ही इज फीलिंग हॉट और आई एम फीलिंग हॉट तो मैं ऐसे ही मतलब गुस्से वाला वो एंग्री. या सो नहीं लुक एट हिम, कोई बात नहीं. बट दे सेड ओके. आई एम वेरी एक्साइटेड यार. मुझे तो सबसे अच्छी बात यह है कि लास्ट टाइम हम लोगों ने द लायन किंग देखी थी एंड उसमें यू नो इंडियन आर्टिस्ट ने जैसा सबने शाहरुख ने सबने आवाज़ दी थी एंड वी वर वेरी हैप्पी. हम लोगों ने हिंदी का शो देखा था, हिंदी डब शो देखा था, तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट क्योंकि कपिल एंड यू नो हु एल्स डिड दैट, कीकू एंड अर्चना, अर्चना जी, तो इन सब ने जिन्होंने अपनी वॉइस दी है दे आर ग्रेट आर्टिस्ट या वॉइस आर्टिस्ट एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट एक्चुअली. I personally am a fan of Kapil Sharma and everybody, you know, in the gang. So I'm very excited because I'm a fan of Angry Birds also. So ye bada interesting sa I think mixture hone wala hai, you know, with Indian voices, familiar voices hain, lekin naye avatar mein hain. So bada cute sa. In fact, especially pata kya Kapil ko hum sabne hasate hue dekha hai, sabko aur haste hue dekha hai. सो एंग्री बर्ड में उनकी आवाज़ कैसी लगेगी, बींग एंग्री वो कैसे साउंड करेंगे, यू नो आई एम विद पंजाबी तड़का, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट. बिल्कुल यार, मैं आयरन मैन को देना चाहूँगा. आई वुड
love to do a princess diary or something yaar. Isi bahane Aladdin, apne, Aladdin princess man. Yeah, like anything, you know, isi bahane hum apne sapne jee lenge, you know. So we've always grown up watching the princesses, chahe wo Jasmine ho, chahe wo Barbie ho, chahe wo Cinderella ho, chahe wo koi bhi ho. So I would love to, why not? Ma'am, thank you, thank you, thank you. Thank you, thank you. Thank you, thank you. This way? Yeah. This way? Good. I have been a huge fan of Angry Birds. मैंने part one भी देखी हुई है and I used to play games also Angry Bird. और मेरे पास तो घर पे Angry Bird का toy collection भी है. Like I'm a huge toy lover. So Angry Bird तो जान है. Yes. कपिल सर ने जो आवाज दी है वो तो सोने पे सुहागा हो गया और कीकू जी भी हैं अर्चना जी ने भी आवाज दी है अपनी. तो काफ़ी अच्छी बात है और इंडिया में ऐसी फिल्म आती है और जब अपने ही डब करते हैं अपनी आवाज़ देते हैं तो काफ़ी अच्छा फील होता है और कपिल जी तो हैं तो चार चांद तो ऐसे ही लग गए. काफ़ी मेरा तो भी शूट से मैं डायरेक्टली भाग कर आया हूँ. मैंने बोला जल्दी पैकअप करो फिल्म देखनी मुझे. सो आई एम सो एक्साइटेड. कैरेक्टर देखा जाए तो रेड बॉम और चक दीज थ्री आर माई फेवरेट कैरेक्टर्स. और घर पे भी लाइक मेरे पास एक्शन फिगर्स है लाइक सारे टॉयज हैं तो पूरा कलेक्ट करके रखा है एंग्री बर्ड्स का मैंने. थैंक यू गाइस. थैंक यू. कॉम्युनिस्ट नहीं है तो कितनी एक्साइटमेंट है. देखो एक्साइटमेंट तो हमेशा ही होती है शो की. बाकी कितने एक्साइटेड रहने वाले हैं वो फर्स्ट वीक के बाद पता चलता है. एंड आफ्टर लास्ट सीजन लेट्स सी कि ये सीजन अच्छा हो. सो वी आर एक्साइटेड. लेट्स सी कौन कौन सेलेब्स आने वाले हैं इस शो में और क्या क्या होने वाला है. मैं तो हमेशा सलमान भाई के लिए शो देखता था और आगे भी उन्हीं के लिए देखूंगा. कोई हो ना हो वो खड़े हों एज ए होस्ट तो मैं तो बिल्कुल देखने वाला हूँ. एंड कंटेस्टेंट से पिछली बारी वालों से तो थोड़ी उम्मीद ख़राब हो गई. एंड आई एम श्योर इस बारी मेकर्स ने कुछ ना कुछ नया ज़रूर करा होगा क्योंकि इट्स अ बिग शो और इतने बड़े शो को ऐसे नहीं जाने दे सकते. तो आई थिंक इस बारी रॉक करने वाला है बिग बॉस 13. हमारे उसमें काफ़ी सारे नोन लोग हैं तो अभी तक फेवरेट तो ऐसे नहीं बोल सकते. विंदु दारा सिंह जी इज़ अ वेरी क्लोज पर्सन टू अस. प्रिंस एंड युविका है एंड और किसी को मिस तो नहीं कर रहे. विंदु दारा सिंह जी एंड डायना तो निकल गए हैं एंड आई थिंक पोटेंशियल विनर्स आर प्रिंस एंड युविका. या दे आर डूइंग वेरी गुड. वो हर एक्ट में कुछ डिफरेंट करते हैं. बाकी सब भी बहुत अच्छा कर रहे हैं बट आई थिंक जिसको आप पर्सनली जानते हो उसको आप ज़्यादा फेवर करते हो खुद से. सो प्रिंस एक ऑलरेडी एक विनर बंदा है. उसमें विनर क्वालिटीज़ हैं. आज तक जहाँ भी गया है वो जीत के ही आया है. तो आई थिंक ये शो भी वो जीतने वाला है. अभी तो बताया था ब्रेकअप होने वाला है. आप क्या बात कर रहे हो. देखो एक साथ तो नहीं पता
पर अलग अलग ज़रूर आप हमें देखने वाले हैं। बंदगी अपनी साउथ की फिल्म कर रही हैं, मेरी वेब सीरीज आ रही है ऑन Z5, इट्स कॉल्ड लव स्लीप रिपीट, साथ में देख तो रहे हो अभी ऑन स्क्रीन। बोलो किसी को कास्ट करें हमें साथ में ऑन स्क्रीन। सुन लो जो भी इंटरव्यू देख रहा है, साथ में कास्ट कर लो, सब कास्ट करो हमें ऑन स्क्रीन साथ में। थैंक यू।